ये नक्सली देश के वो नासूर हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवानों को अपने नापाक इरादों का निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में आमाबाड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम मुसेली मेला में नक्सलियों ने आर्मी जवान मोती राम आजला की गोली मार कर हत्या कर दी। शहीद जवान के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कर रविवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम बड़े तेवड़ा लाया गया, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वीर जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आपको बता दें, शहीद जवान मोतीराम आंचला की उम्र मात्र 29 वर्ष थी। वो एक सप्ताह पहले ही अपनी गर्भवती पत्नी और परिजनों से मिलने के लिए छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। रविवार को ही वापस लौटने वाले थे, मगर इससे पहले ही नक्सलियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। बस्तर में नक्सलियों द्वारा पहली बार किसी सेना के जवान पर इस तरह का हमला किया गया है, जबकि सेना का नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई से कोई सीधा वास्ता नहीं है। यही वजह है कि इस घटना के बाद से जबरदस्त नाराजगी है। आपको बता दें, शहीद जवान मोतीलाल ने बीते साल अप्रैल माह में प्रेम विवाह किया था और जल्द ही उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। बता दें, जब जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजनों के सब्र का बांध फूट गया। उनका रो रो कर बुरा हाल है। गर्भवती पत्नी सदमे में है। माता पिता भाई बहन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ था। शिवालिक जनरल वीर जवान मोतीराम आंचला को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।